हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो है ना वो पूरा डेटा रिकवरी के ऊपर है कि डेटा रिकवर कैसे करवा पाया जाए। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नया मेथड मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये मेथड जो है 100% वर्क करने वाला है। मान के चलिए आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, वो कैसे भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है तो ये गाड़ी के नीचे आ गया है, तो मतलब अब मुझे इसमें से इसके अंदर से डेटा तो चाहिए ही चाहिए और ये मतलब अब ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए इसका कंडीशन क्या है ना, मतलब गाड़ी के नीचे आ गया। तो गाइस अभी ये क्या, ये रिपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मदरबोर्ड जो है वो एक साइड से क्रैक हो गया। तो अब इसको, इसके अंदर का डेटा कैसे रिकवर होगा, जब तक कि मोबाइल चालू होगा नहीं डेटा रिकवर होगा नहीं। तो गाइस ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है मदरबोर्ड स्वैपिंग। मदरबोर्ड स्वैपिंग में एक्चुअली होता क्या है, आपका जो मदरबोर्ड होता है ना वो रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसको पूरा फंडा। देखिए आपका जो मोबाइल है ना, या कोई भी मोबाइल, वो वर्किंग कैसे करता है। जो मेन दो आईसी होते हैं इसके अंदर में, एक सीपीयू, एक जो स्टोरेज आईसी। स्टोरेज आईसी जो है ना वो आपको ईएमएमसी भी हो सकता है या आपको यूएफएस भी हो सकता है। तो मैं अभी इस पूरे वीडियो के अंदर में उसे स्टोरेज आईसी ही बोलूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं स्टोरेज आईसी की बात कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए ये दो मेन आईसी होते हैं, और उसके जितने भी दूसरे जो आईसी होते हैं ना पूरे मदरबोर्ड के ऊपर, वो होते हैं उसके सपोर्टिंग आईसी। अगर कोई दूसरा आईसी खराब होता है ना, जो उसके सपोर्टिंग आईसी अगर खराब हो जाते हैं, तो मदरबोर्ड जो है यानी आपका मोबाइल जो वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो आपको मोबाइल चालू नहीं होगा, डेटा भी आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस ये सब जो आईसी इंटरनली खराब होते हैं, इसके कारण जो है हमारा मदरबोर्ड पूरा खराब हो जाता है और हमारा मोबाइल ऑन भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा आइडिया है जैसे कि जो दो ये आईसी है ना, सीपीयू और एमएमसी, अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर जब मेरा डेटा जो है वो ईएमएमसी के अंदर होता है, स्टोरेज आईसी के अंदर में, तो हम सीपीयू क्यों निकालेंगे। तो मैं आपको अभी बताऊंगा पूरे वीडियो के अंदर में। तो गाइस देखिए होगा क्या कि आपका जो मदरबोर्ड है ना, जो खराब वाला मदरबोर्ड, उसके अंदर से दो आईसी निकाल देंगे। जितनी भी सपोर्टिंग आईसी है, जितने भी वो सब, उसको हमें नहीं चाहिए। हमें बस दो आईसी चाहिए, जो प्राइमरी आईसी है सीपीयू और एमएमसी। इसे निकालने के बाद हम इसी सेम मॉडल का दूसरा मदरबोर्ड लेंगे, जिसे हम स्वैप मदरबोर्ड भी बोलते हैं। स्वैप मदरबोर्ड का मतलब ये होता है कि ये मदरबोर्ड के ऊपर में ना बस ये दो आईसी नहीं होते, आपके एमएमसी नहीं होंगे, आपके सीपीयू नहीं होगा, बाद बाकी जितने भी सपोर्टिंग आईसी है इंटायर मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। और जैसे ही वो आपका जो निकाला हुआ प्रोसेसर और आप निकाला हुआ जो आपका स्टोरेज आईसी है ना, यानी सीपीयू और स्टोरेज आईसी, जैसे ही स्वैप मदरबोर्ड पे लगाएंगे ना, अच्छे वाले मदरबोर्ड पे, वो आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, यानी आपका जो मोबाइल है ना फुल्ली वर्क हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये कंडीशन के अंदर में आपको जो है आपका मोबाइल पूरे ऑन हालत में मिलेगा। तो आप उसके अंदर से फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट, SMS, ईमेल सब कुछ निकाल सकते हैं गाइस। लेकिन इसका जो कॉस्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर जो कॉमन मोबाइल होते हैं ना, कॉमन मोबाइल का मतलब हो गया कि जो भी कोई छोटा मोबाइल है वो मतलब बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट आएगा ना वो कम आएगा। और जो अनकॉमन मोबाइल है, जो थोड़ा महंगे मोबाइल है, तो वो मार्केट में ज़्यादा है नहीं, तो उसका स्वैप बोर्ड जो है थोड़ा महंगा आता है। अगर स्वैप बोर्ड अगर नहीं भी है ना, तो एक्चुअली अगर टेक्नीशियन के पास आप जाएंगे ना, तो उनके पास एक फुल्ली कंडीशन मदरबोर्ड होता है, जो सेम मॉडल का अगर उसके पास है, तो वो क्या करेगा कि आपके मदरबोर्ड से सीपीयू एमएमसी निकालने के बाद, स्टोरेज आईसी निकालने के बाद, उस वाले मदरबोर्ड में लगा देगा। यानी उसके ऊपर जो लगा हुआ है आईसी वगैरह ना, उसको निकालने के बाद जो है उस पर आपका वाला लगा देगा, जो खराब मोबाइल वाला। उसके बाद वो मोबाइल ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसके जितने भी सपोर्टिंग आईसी है ना वो फुल्ली वर्किंग है। तो गाइज अब यहाँ पे बात आती है कि हम प्रोसेसर क्यों निकालेंगे हम। तो गाइज प्रोसेसर के अंदर में ना हमारा जो सीपीयू है वो पूरा सबका आईडी रखता है, यानी आपका जो ईएमएमसी है ना, स्टोरेज आईसी, उसकी आईडी उसके अंदर में है, और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम मतलब पूरा वो कंट्रोल कर रहा है। तो अगर सिर्फ आप स्टोरेज निकाल के उसके अंदर दूसरे मोबाइल में लगाएंगे ना स्वैप बोर्ड में, तो वो देखेगा कि यार ये तो एमएमसी नया है, इसका आईडी मेरे पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, इसको रिस्टार्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसी वजह से जो है हमें सीपीयू और स्टोरेज आईसी को निकालना पड़ता है, ताकि दूसरे में लगा सके, ताकि दोनों जो है मिलके आपस में काम कर सके। बाद बाकी जितने भी आईसी होते हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर, वो सिर्फ सपोर्टिंग आईसी होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि ये मदरबोर्ड है, तो ये मेन आईसी है, उसके बाद जो जितने भी उसके आसपास है सारे सपोर्टिंग आईसी है। इसे हमें बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब दूसरा मदरबोर्ड लाएंगे, उसके ऊपर वो वाला आईसी फिट करेंगे और चालू हो जाएगा। तो गाइज ये काम करता कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये काम जो है ना वो एक नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं कर पाएगा, जो सिर्फ डिस्प्ले चेंज करता हो, आपका चार्जिंग बनाता हो, स्पीकर चेंज करता हो, वो ये नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये एक पहाड़ जैसा काम है। तो ये काम वही करेगा जो टेक्नीशियन जो सर्विस सेंटर, सीपीयू और एमएमसी के ऊपर काम करता हो। तो आपको अब इंडिया के अंदर बहुत सारे जगह पे ये काम होने लगा इजिली। तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई मुझे स्वैप बोर्ड पे लगा दो और मेरा जो है डेटा दे दो। उसके बाद वो आपको क्या करेगा,
आपका डेटा देने के बाद फिर से वो जो जितने भी आईसी, आप दो आईसी होते हैं ना, मतलब सीपीयू और एमएमसी, वो निकाल के आपको दूसरे मोबाइल पे आपके मोबाइल पे लगा के आपको दे देगा। मतलब आपको पूरा मोबाइल नहीं देगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका मोबाइल महंगा है ना, तो पूरा बोर्ड दे देगा, तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। लेकिन जो कॉमन मोबाइल है ना, उसकी जो प्राइसिंग की बात करो तो कॉमन मोबाइल का जो प्राइस होता है वो मतलब 1500 से 1500 तक वो आपको लेगा। लेकिन अगर अनकॉमन मोबाइल है ना, तो आपको 3000 4000 तक यानी 5000 तक भी चार्ज कर सकता है। वो आपकी डेटा रिक्वायरमेंट के ऊपर है आपको चाहिए, लेकिन ये काम जो वही कर सकता है जो वेल ट्रेंड इंजीनियर है, जो ऑलरेडी अच्छे से मोबाइल के बारे में सब जान रहा हो, सीपीयू और एमएमसी के ऊपर काम कर रहा हो, वो कर लेगा इजिली का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी आप स्वैप बोर्ड भी मिलने लगे हैं। जो सर्विस सेंटर होते हैं ना, जो भी कंपनी का, वो कंपनी जो है स्वैप मदरबोर्ड ही उनको प्रोवाइड कराती है। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल डेड हो जाता है, और किस कंडीशन में, वारंटी पीरियड में, तो उस समय वो लोग स्वैप बोर्ड पे ही आपका ये दोनों सीपीयू और एएमसी लगा के दे देते हैं। तो ये काम आप बाहर से भी करवा सकते हैं, इजिली होता है गाइस, करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना स्वैप मदरबोर्ड, तो आपको बहुत सारे मदरबोर्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद और इवनली आपको बहुत सारे जो है टेक्नीशियन है, उन्होंने चैनल भी बना कर रखा है यूट्यूब पे, कि वो करते हैं, वो कुरियर सर्विस आपको देते हैं। आप कुरियर करेंगे उनको, उनसे कॉन्टेक्ट करने के बाद कोई प्राइस का जो भी मसला है उनको आप बताएंगे, सब सॉर्ट आउट करके आप उन्हें भेज भी सकते हैं। लेकिन भेजने से पहले गाइज आप पूरा वेरिफिकेशन कर ले, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे चले जाए खुद और वहाँ जाके ये काम करवा ले गाइज। तो गाइज ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो डेटा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो ये गाइज ये जो मेथड है ना, मदरबोर्ड स्वैपिंग, ये बहुत ईजी मेथड है दूसरे मेथड की कंपेरिजन। बस इसके अंदर आपको जो इंजीनियर चाहिए होता है, जहाँ पे आप मोबाइल बनवा रहे हैं ना, वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। आप कहीं भी जाके नहीं बनवा सकते गाइज। अगर आप इस चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टेक को समझने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।